नमस्कार सभी को। यूथ रीच के ई लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा में साइंस विषय में 10वां चैप्टर प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करेंगे। दर्पण का ध्रुव क्या होता है? किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक तल का केंद्र ध्रुव कहलाता है। किसी गोलीय दर्पण का जो परावर्तक तल होगा उसका सेंटर ध्रुव कहलाएगा। वक्रता केंद्र क्या होता है? सेकंड पॉइंट है, उस गोले का केंद्र जिसका कि दर्पण एक भाग है वक्रता केंद्र कहलाता है। मतलब गोले का सेंटर जिसका दर्पण एक भाग होता है। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? उस गोले का केंद्र जिसका कि परावर्तक तल गोलीय दर्पण एक भाग है वक्रता त्रिज्या कहलाती है। मुख्य अक्ष क्या होता है? मुख्य अक्ष एक सीधी रेखा जो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता में से गुजरती है। एक सीधी रेखा होती है जो गोलीय दर्पण के ध्रुव में से और वक्रता में से गुजरती है, उसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं। नेक्स्ट है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है? प्रकाश की किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है, जो प्रकाश की किरणें है मुख्य अक्ष के पैरेलल होती हैं और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित एक बिंदु पर मिलती है। परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर एक बिंदु स्थित होता है जहां पर मिलती है, वह बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है। फोकस दूरी क्या होती है? गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। मतलब गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम फोकस डिस्टेंस कहेंगे। प्रतिबिंब क्या होता है? वह बिंदु जहां से प्रकाश की किरणें अपसरित होती हुई प्रतीत होती है, और कब प्रतीत होती है? वो अपवर्तन के पश्चात, उसको हम क्या कहेंगे? प्रतिबिंब।